हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए सीजी बोर्ड एग्जाम मासिक असाइनमेंट हिंदी क्लास 11th का फुल सल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक एक दिया हुआ है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न क्रमांक एक दिया हुआ है। मियाँ नसीरुद्दीन गद्य की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द चित्र। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, कमला के कंचन में अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्रा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती की किस रचना से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हम हसमत। क्वेश्चन नंबर छठा दिया हुआ है, रजत बूंदे किसको कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नान भाई किससे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नान भाई एक व्यापारी है जो किसी तंदूर चूल्हे भरोसे या अन्य किसी केंद्रित ऊष्मा स्रोत का उपयोग करके आटे से बनी रोटियाँ और अन्य उत्पादों को बनाता है, कभी कभी बेचता भी है। वह स्थल जहाँ एक नान भाई काम करता है, नान घर या नान भाई की भट्टी कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर सड़क का निर्माण किसके लिए, किसने किसके लिए किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तल से आते हुए सूरज को देख कर कभी कल्पना करता है, मानव सूर्य की किरणों ने लक्ष्मी को लाने के लिए सोने की सड़क बना दी हो, अर्थार्थ स्वर्ण के सड़क का निर्माण सूर्य ने लक्ष्मी के लिए किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे बरसात से मिलने वाला पानी को पारर पानी कहते हैं, कुओं से प्राप्त होने वाले पानी को पाताल पानी कहते हैं, तथा पहला रूप पारर पानी तथा दूसरा रूप पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप होता है, जिसे रेजाड़ी पानी कहते हैं। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल से ना मिल पाया, पानी रे जारी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र नियत को स्पष्ट कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र में खानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और स्वभाव का वर्णन करते हुए यह बताया गया कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई का अपना काम अत्यंत ईमानदारी मेहनत से करते थे, और संदेश दिया कि हमें भी अपना काम पूरी लगन मेहनत व ईमानदारी से करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आशय स्पष्ट कीजिए, सारी मत बदन जगत का स्वामी मृत्यु विपत्ति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है आशय, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए रात्रि के शांत वातावरण में जगत का स्वामी परमात्मा धीमी गति से आता जान पड़ता है, वह समुद्र तट पर आकाश गंगा के गीत गाता प्रतीत होता है, कभी को इस प्रकार का आभास होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां दिया हुआ, दिनों दिन बढ़ता पानी की समस्या से निपटने में राजस्थान की रजत बूंदें पाठ आपकी कैसे मदद कर सकती है, तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय लिए जा रहे हैं, जाने और लिखें। चलिए फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक दिया हुआ है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, का आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, वर्तमान शिक्षा प्रणाली से आज युवा वर्ग पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ, इस शिक्षा प्रणाली से मानवीय मूल्यों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, इसका आंसर लिख लीजिए फ्रेंड जल्दी से अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ, आज व्यक्ति समाज और देश के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो ये इसका आंसर दिया फ्रेंड, नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।